इंसाइड में आप लोगों के लिए लाया हूँ एसिब्रोफाइलिन एंड मोंटेरू का सोडियम टैबलेट। हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसिब्रोफाइलिन और मोंटेरू का टैबलेट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और उसके क्या क्या यूज एवं साइड इफेक्ट हैं, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर जो नए आए हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब जान लेते हैं कि एसिब्रोफाइलिन एंड मोंटेलुकास्ट किस काम यूज होता है, जिसे हम मिसुडे भी कह सकते हैं। तो इस टैबलेट का उपयोग निम्न रोगों में किया जाता है, जैसे खांसी आना, सांस फूलना या सीने में इन्फेक्शन आदि में किया जाता है। लेकिन मुख्य इस दवा का उपयोग टीबी रोग में होता है। इस दवा को दो प्रकार के पदार्थों को मिलाकर बनाया गया है, पहला हो गया एसिब्रोफाइलिन, दूसरा हो गया मोंटेलुकास्ट, जिसमें एसिब्रोफाइलिन का काम होता है सांस फूलने को रोकना और मोंटेलुकास्ट का उपयोग खांसी को रोकना। अक्सर देखा गया है कि सर्दी के समय सांस की समस्या बढ़ जाती है, जिसमें यह दवा सांस के मरीजों को दिया जाता है। अब जानेंगे कि क्या यह दवा कहाँ मिल सकती है। यह दवा फ्रेंड्स आपको हर मेडिकल हाल, हर हॉस्पिटल आदि मिल जाएगी। एसिब्रोफाइलिन मोंटेलुकास्ट का उपयोग खांसी एवं सांस फूलने में अधिक काम करता है। एसिब्रोफाइलिन का सिर्फ काम है सांस फूलना में सहायता करना और मोंटेलुकास्ट का काम है खांसी में सहायता करना। अगर सांस फूल रही है और खांसी आ रही, दोनों तरह की दिक्कतें हैं, तो इसका टैबलेट का यूज दो बार करना चाहिए सुबह शाम, जिससे खांसी और सांस में राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं क्या ये टैबलेट कहाँ मिलेगा। यह टैबलेट आपको हर मेडिकल हाल, हर हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेगा, जो फिलहाल 10 टैबलेट के स्टिप में भी आता है, 2 टैबलेट के स्टिप में भी आता है। अब जान लेते हैं कि इस दवा का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। मछली आना या उल्टी आना, वर्टिगो चक्कर आना, शरीर पर लाल चकत्ते आदि इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हैं। इस दवा अब जान लेते हैं क्या यह दवा गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक है। तो इस दवा का उपयोग गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। इस दवा का उपयोग करने से गर्भवती महिलाओं के शरीर पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव और बच्चे के शरीर पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इस टैबलेट का उपयोग गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। अगर यह टैबलेट में सिर्फ मोंटेलुकास्ट का यूज किया जाए, तो मोंटेलुकास्ट का उपयोग गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन एसिब्रोफाइलिन का उपयोग गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे इसका उपयोग गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।